अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज हम जा रहे हैं जी रावलपिंडी, क्योंकि एक तो सोलर सिस्टम भी लेना है और दूसरा दोस्तों के साथ जो है ना पार्टी भी है, सेवर पे जाना है। तो इतवार है आज, तो इसलिए अभी हम निकलें, देखें माशाल्लाह। ये अभी ज़ोर की नमाज पढ़ के निकलें, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और धूप भी माशाल्लाह शदीद है, लेकिन रात की बारिश ने मौसम को काफ़ी खुशगवार किया हुआ है, उसकी वजह से इतना तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन गर्मी तो गर्मी होती है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। तो ये साथ जो रोड के साथ दरख्त लगे हुए हैं, इनकी अहमियत तो कोई धूप में चलता हुआ इंसान ही बता सकता है। माशाल्लाह जो है ना कितने ज़बरदस्त ठंडी छाँव महसूस होती है एसी की तरह। तो ये देखें माशाल्लाह, ये साथ होटलों पे ड्राइवर गाड़ियाँ वगैरह रोक के, क्योंकि खाने का टाइम है ज़्यादातर जो है ना ये ड्राइवर वगैरह 2 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह इनकी ज़रा लेट ही होती है, तो गाड़ी द्वारा कुछ चलनी है। तो ये देखें माशाल्लाह, अभी हम जो है ना कचहरी के पास पहुंचने वाले हैं, बल्कि कचहरी को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये बात के मनाजरे देखें किस तरह खूबसूरत है वारा रावल पिंडी जी, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मनाजर है ये, जो कि वुमेन यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है फातिमा, उसके साथ आगे जो है ना ये कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, कुछ रेजिडेंसीज वगैरह हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है वारा रावल पिंडी जी, देखें कितनी खूबसूरती है दरख्तों की और घास वगैरह की। तो ये अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह जो है ना बेहतरीन। तो आज इतवार है, क्योंकि 2 दिन के लॉकडाउन के बाद तो फिर रावलपिंडी में रश तो माशाल्लाह दबा के होगा, क्योंकि काम का भी सिलसिला होता है। दूसरा ये है ना कि हमारी तरह जो इतवार को घूमने वाले भी ज़्यादातर आ जाते हैं। तो देखे जी माशाल्लाह, ये खूबसूरत रावलपिंडी का सफ़र जारी है। तो ये अभी हम जो है ना पंजाब हाउस क्रॉस किया है, वेलकम रावलपिंडी भी, ये देखें आगे खूबसूरत मनाजर है। तो क्योंकि रश है बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर हमने ये दूसरी साइड ग्वाल मंडी वाली साइड से आ रहे हैं। तो मैंने कहा नाले भी आपको दिखाते चलें, जिसमें सफाई का काम चल रहा है माशाल्लाह, क्योंकि बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो इसलिए फिर इस पे सैलाब भी आ जाता है। तो ये देखें हम सेवर में पहुँचे हैं, सेवर में तो बहुत ज़्यादा रश था, सीट को मुश्किल से मिली है। तो बहरहाल जी हम बैठ गए, खाने का ऑर्डर दिया है। तो ये देखें हमारा खाना भी आ चुका है, तो अब हम ये देखें जी माशाल्लाह सेवर। तो ये मुर्गा भी क्योंकि पिंजरे के अंदर है, तो अभी इसको ये खोलने लगे हैं ताकि चावल साथ है, ताकि भागे नहीं, बाहर निकल के चावल खाना शुरू हो जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमारे साथी हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कह रहे हैं आप वीडियो बनाएं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि फिर इसके बाद फिर पता नहीं चलना है कि ये मुर्गा जाता कहाँ है, इसलिए फिर हमने अभी वीडियो बंद करके खा के फिर आपको एंड वाला सीन दिखाऊंगा सेवर का। तो ये देखें माशाल्लाह जी, मुर्गा तो मेरे ख्याल से उड़ चुका है। तो अब लास्ट सीन जारी है पानी वगैरह का। तो ये साथ बिल भी आ गया है, तो ये सेवा से बाहर निकले हैं। तो अभी देखेंगे बाज़ार की सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि बाइक जो है ना वहीं पे खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि आगे जा नहीं रही थी। तो 5:30 हो रहे हैं तकरीबन, तो अभी असर की नमाज भी पढ़नी है, तो उसके बाद कॉलेज रोड पे कश्मीरी बाज़ार दो जगह पे जाना है, क्योंकि सोलर का वहीं से सिस्टम मिलता है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये बाज़ार है कि
क्या सिचुएशन है कि गुजरना मुश्किल हो रहा है, रशिया इतना ज़्यादा, तो माशाल्लाह देखें जी। तो ये बाजार के अंदर से जा रहे हैं, तो ये सोलर वगैरह ले के अब देखें, वापसी शुरू हुई है तो ये रात का मंजर है। अभी ये गीगा माल क्रॉस कर रहे हैं, तो देखें जी रात का गीगा माल की लाइटिंग का सिस्टम, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वेदर रात टाइम का, तो पता ही नहीं चला कि किस तरह गुजर जाता है, क्योंकि एक तो रश ज़्यादा था, फिर हम लेट पहुँचे, फिर 8 बजे बाज़ार भी बंद हो जाना है। तो तकरीबन हमारा 90% सामान हमने ले लिया है, तो फिर इंशाल्लाह 10% लेने के लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी थी।